अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सफदर मंजूर, आप देख रहे हैं सफदर ब्लॉग। आज हम जो ओरिएंट ट्रेन के मुसाफिर हैं उनसे रिव्यू ले रहे हैं, क्या वो इस सफ़र से मुत्तफिक हैं, इत्मीनान रखते हैं। साथ ही साथ मैं आपको मालूमात देना चाहता हूं कि इसके कुल जो स्टेशन है वो 26 स्टेशन है, 27 किलोमीटर का इसका पूरा ट्रैक है, 25 किलोमीटर इसका ओवरफ्लो है, 2 किलोमीटर इसका अंडरग्राउंड है। एक ट्रेन के अंदर तकरीबन 250 मुसाफिर आ सकते हैं और एक दिन के अंदर तकरीबन 2.5 लाख लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। आइए आपको इनके रिव्यू दिखाते हैं। मुसाफिर मौजूद हैं जो अमूमन ओरिएंट ट्रेन के ज़रिए से सफ़र करते हैं, इनसे रिव्यू लेते हैं ओरिएंट ट्रेन के बारे में। तो सर, सफ़र कैसा गुजरता है आपका? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। सबसे पहले तो ये है कि टाइम की बचत बहुत ज़्यादा होती है। जो 1.5-2 घंटे का सफ़र होता था वो अब कम से कम 40 मिनट में हो जाता है। तो मेरा तो रोज़ का आने का काम है, तो मैं तो रोज़ ही आता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोथम में कोर्स कर रहा हूँ, तो उसके लिए टाइम की बचत भी हो जाती है इससे। तो ये हुकूमत का बेहतरीन इकदाम है और इससे हर बंदा फ़ायदा उठा रहा है। इसमें सफाई वगैरह का एहतमाम, सिक्योरिटी का, इन सब मामला से आप? जी, माशाल्लाह सफाई सुथरा है, बंदा सेटिस्फाई होकर मतलब बैठता है और कम्फर्टेबल है, ना कोई मतलब तंगी वगैरह होती है। और सिक्योरिटी का निज़ाम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है और कोई तंगी वगैरह नहीं होती। बहुत शुक्रिया आपके रिव्यू देने का। माशाल्लाह, एक और मुसाफिर हमारे साथ हैं, इन्होंने भी अभी सफ़र किया है और इन ट्रेन का, इनसे रिव्यू लेते हैं कि इनका सफ़र कैसा गुजरा और ये इससे इस सफ़र से मुत्तफिक हैं या नहीं है, और इनके किराए से मुत्तफिक हैं या नहीं है। आइए इनसे पूछ लिया। यार ये बड़ा बेहतरीन है इनका निज़ाम। पहले रिक्शे पे जाओ, इधर से लक्ष्मी तक जाओ या थोड़ा सा एक स्टॉप पे जाओ, वो तकरीबन 60-70 रुपये ले लेते थे। उसके बाद गर्मी में बुरा हाल, गर्मी से जाया नहीं जाता, उसके बाद रुक रुक कर जाते थे, बड़ा टाइम लगता था। तो और ठोकर पे अगर जाना हो तो 2.5 घंटे का रास्ता था, ये 40-45 मिनट का रास्ता इन्होंने कर दिया कवर, और 40 रुपये में। चाहे आप स्टॉप पर उतर जाओ, चाहे आप इधर से शुरू हो तो एंड पे उतर जाओ। और उसके बाद इसका ये बेनिफिट है सबसे अच्छा कि गर्मी का कोई सिलसिला नहीं, एसी लगे अंदर, इन्जॉय करके जाओ, चिल माहौल है, जैसे मर्जी इन्जॉय करो आप, ठीक है। उसके बाद आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जो पास है, UET हो गया, ठीक है, जैसे रिक्शे जाते थे 100 रुपये ले लिया, 80 रुपये ले लिए, ठीक है ना। वो अपने कस्टमर को भी, जहाँ उनका कस्टमर है उसको भी सही दाल लगाना, उन्होंने इधर कोई ऐसा चक्कर नहीं है। इधर आप एक्स्ट्रा पे जाओ 40, चाहे आप ठोकर पर उतर जाओ, ये सही है। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका ओरिएंट ट्रेन का सफ़र कैसा गुजरा है? बहुत अच्छा है जी। इसके अंदर जो किराए हैं, जो इसके अंदर सिक्योरिटी है, जो सफाई है, क्या आप उस पर मुत्तफिक हैं, इत्मीनान है कि ये ठीक है? बहुत अच्छा है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी हद तक पिछले दिनों में पहले रहा है कुछ देर के लिए, दरमियान में हो गया था कि वो सफाई यहाँ नहीं हो रही थी। अच्छा। लेकिन अब फिर से दोबारा शुरू हो गई है और बहुत अच्छे से सफाई हो रही है। लेकिन ये मैं ये कहूँगा कि इसे 20 साल पहले हमारे पास होना चाहिए। अच्छा, 20 साल पहले होना चाहिए था। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि पहले जगह कुशादा थी और आसानी से ये बन सकती थी और सस्ती भी पड़ती, लेकिन तब उन्होंने ये नहीं किया है। चलें, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इस पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा है, 2035 तक तकरीबन हमने इस पर टैक्स अदा करना है, उसके बारे में आप गुजारिश ये है कि ये गवर्नमेंट के मसाइल होते हैं, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसे सहूलत कर सकती है, इससे भी ज़्यादा सहूलत उसके पास हो सकती है। लेकिन वो जब महंगे मामला करेंगे, वही बात कि 20 साल पहले करते तो इतना ना होता। और दूसरे शहर में भी ऐसी सहूलत होनी चाहिए? होनी चाहिए। यहाँ भी दीगर हिस्से ऐसे हैं जैसे कि कापर स्टोर से एक लारी अड्डा, वो सारा बदामी बाग, इस तरफ भी होनी चाहिए। सही हो। पहले आप चिंग चिंग के अंदर सफ़र करते थे, चिंगची वगैरह के अंदर, तो उस वक्त कैसा सफ़र था आपका? असल में चिंगची छोटी सवारी है और ये बड़ी सवारी है, लेकिन ये परफेक्ट वक्त पर आ जाती है। सही। और उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है, बाज़ दफ़ा 6 सवारियों का भी 15 मिनट से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन इसके लिए नहीं करना पड़ता, 5 मिनट सिर्फ। सही। यानी आपका टाइम सेविंग और मनी सेविंग, ये सब कुछ इसके जरिए से। इसमें सिक्योरिटी है। सही, सिक्योरिटी भी है। तो माशाल्लाह कई फ़ायदे आपने बता दिए, थैंक यू, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो इस वक्त एक और मुसाफिर हमारे साथ मौजूद है, आपका सफ़र कैसा गुजरा है? मेरा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा है। मैं अक्सर ट्रेन पर जाता हूँ, जिधर भी जाना हो, रेलवे स्टेशन वगैरह जाना हो तो मैं ट्रेन पर जाता हूँ, मुझे ये सफ़र अच्छा लगता है। बाइक की दिक्कत से अच्छा है, रिश्के पे बैठने से अच्छा बंदा ट्रेन पे बैठ जाए, राम सुकून का सफ़र है, एसी भी लगे हुए हैं, ठीक है।
तो आराम से बंदा। और इसका किराया कितना दे रहे हैं आप? किराया सिर्फ 40 रुपए। और बाहर तकरीबन कितना किराया चल रहा है? बाहर भी इतना 40-50 ले लेते हैं, लेकिन ये है कि इसमें बैठने का मजा अपना ही है। अच्छा, इस बाहर जलालत है, अंदर एसी भी है? आई थी एसी भी, एसी हर सारी सहूलत है, सिक्योरिटी भी है, सफाई बिल्कुल सफाई भी है। आप रेगुलर ये पैसेंजर है, मुसाफिर है? मैं जी रेगुलर। आपका बहुत शुक्रिया राय देने का। अभी इस वक्त हमारे साथ एक मुसाफिर और मौजूद है, इनसे राय लेते हैं कि इनका सफर कैसा गुजरा। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचू, नेम क्या है आपका? मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद ताहिर, तो आपका सफर रोजाना कैसा गुजरता है इसके अंदर? माशाल्लाह बहुत अच्छा सफर है, वीआईपी सफर है। जैसे कहते हैं ना, हम टूटे भाजे ये लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो जैसे इनको वीआईपी सफर मिल गया है। बहुत अच्छा सफर है, आसान दे सफर है और सस्ता सफर है। रोजाना सफर करते हैं इसके अंदर? मैं तकरीबन हर हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, कभी डेली भी हो जाता है। सही। और जो किराया है इसका, काबिले कबूल है आपके लिए? नहीं, स्टाफ टू स्टाफ तो महंगा है, स्टाफ टू स्टाफ महंगा है, लेकिन अगर आप यहाँ से जाना चाहें, इसका बंद रोड जाएं या आखिरी स्टाफ तक जाएं या कहीं और दरमियान में उतरें, तो फिर तो ठीक है। सही। लेकिन स्टाफ टू स्टाफ थोड़ा सा महंगा है। एसी की पूरी सहूलत? हाँ जी, हर चीज़ सहूलत, हर A1 पोजीशन। और आप जब भी सफ़र करते हैं, खड़े होकर करते हैं या बैठ कर? नहीं, अक्सर तो सीट मिल जाती है, अक्सर लोग दे देते हैं बुजुर्गों को। वैसे इसकी गुंजाइश तकरीबन जो मेरी मालूम के मुताबिक 250 अफराद की है, क्या इसमें 250 अफराद से ज्यादा होते हैं या बिल्कुल हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पब्लिक यहाँ पर ज्यादा हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका रिव्यू देने का, बड़ी मेहरबानी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पब्लिक रिव्यू अबाउट जो ओरिन ट्रेन है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, उनके देखते हैं वो क्या राय रखते हैं इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच।